Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you're watching The Aditi's World. So in today's video, I'm going to be sharing with you guys four really cool DIY planter ideas. And guys, जो भी प्लांटर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो सारे मैंने एकदम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाए हैं. एंड आई एम श्योर कि आपके घर में ये सारी चीज़ें पड़ी ही होंगी. एंड यदि नहीं भी होंगी तो इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें, इसके ऑल्टरनेटिव्स आपके घर में ज़रूर होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड प्लांटर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी टर्न आउट हुए हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. But before we get started with today's video, make sure to subscribe to my channel if you haven't already. Press that little bell button so you get notified every time I posted a new video. And now, without any further delay, let's just get into the video. Okay guys, so video start करते हैं मेरे favorite planter से. तो इस वाले के लिए मैंने use किए हैं मेरे भाई के old school white sneakers. And सबसे पहले हम इसके अंदर newspaper insert कर देंगे. इसके बाद हमें चाहिए दो paint. तो मैंने यहाँ पे oil paint लिए हैं white and red color. And दोनों को अच्छे से आपस में mix करने के बाद आपको एक काफ़ी pretty pink shade मिलेगा. तो इस pink color की help से हम हमारे shoe को अच्छे से cover कर लेंगे. सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है ताकि आउटडोर्स में भी अच्छे से वर्क करें. बट यदि आप इसे इंडोर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. ऑयल पेंट थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. एंड ऑल्सो गाइज, शू पे पेंट करते समय आप इसके शू लेस जो है उसे रिमूव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपका शू अच्छे से पेंट हो पाए. तो यहाँ पे पिंक कलर से इसे कवर करने के बाद मैंने ले लिया है वाइट कलर अगेन ऑयल पेंट. एंड इस वाइट कलर की हेल्प से जो भी शू की स्टिचिंग होती है उस पर मैं वाइट कलर कर दूंगी, क्योंकि ये शूज़ काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गई थी एंड येलो हो जाती हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से वाइट कलर कर दिया है. एंड ऑल्सो जो शू का सोल होता है उसके साइड पर भी मैंने वाइट कलर कर दिया है, ताकि हमारे पूरे शू का एकदम फिनिश लुक आ जाए. तो इस पेंट को हमें ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ना होगा. देन इसके बाद आप इस पर चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कार्टून प्रिंट बनाया था. तो क्योंकि ये शू पिंक कलर का है तो मैंने यहाँ पे एक गर्ल का फेस बनाया था कार्टून. एंड इसे मैं डिटेलिंग दूंगी ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड वाइट कलर की हेल्प से. इसकी आईज़ को मैं डिटेलिंग दूंगी एंड इसे कलर कर लूँगी. इसके बाद गाइज, आप देखोगे जो इसका माउथ है वहाँ पर मैंने हार्ट शेप बनाया हुआ था, तो वो हार्ट शेप पर मैं कर दूँगी रेड कलर. तो गाइज़, यहाँ पे मैंने एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी के मेरे पास ऑयल पेंट थे नहीं एंड मैं इसे इंडोर्स में ही रखने वाली हूँ इसलिए. बट आप चाहो तो ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. सो इसके माउथ में मैंने पिंक रेड कलर करने के बाद इसके साइड पे चीक पे दो डॉट रखे हैं एज अ ब्लश. एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था. तो इसी तरह से हमारा ये शू पेंट होकर के रेडी है. सो अब इसके लिए मैंने मंगा लिए थे न्यू शू लेस, क्योंकि इसके जो शू लेस थे वो फट गए थे एंड काफ़ी ख़राब हो गए थे. तो इसलिए मैंने न्यू शू लेस मंगा के इसके टाई कर लिया. सो गाइज, अब आप चाहें तो सेकेंड जो हमारा शू है उस पर भी सेम रिपीट कर सकते हैं ड्राइंग, बट मैंने यहाँ पे सेम नहीं किया है. तो सेकेंड वाले पे मैंने ब्लू कलर करके यहाँ पे एक बॉय का फेस ड्रॉ किया है. तो ये दोनों कपल हो गए एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे. तो हमारा फर्स्ट प्लांटर बन करके रेडी है. देन इसके बाद आपको इसके अंदर डाल लेनी है सॉइल एंड इसके अंदर आपको लगा लेना है अपना फेवरेट कोई भी प्लांट जो भी आप लगाना चाहो. तो यहाँ पे मैंने इंडोर प्लांट इसमें लगाए हुए हैं दो एंड आई थिंक इट्स लुकिंग सुपर डुपर क्यूट. सो गाइज, हमारा सेकेंड प्लांटर हमारे पूरे वीडियो में से सबसे ज़्यादा सिंपल होने वाला है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ओल्ड ऑयल टिन. तो इस तरह के ऑयल टिन हर एक इंसान के घर में होते ही हैं. तो इसके ऊपर से मैंने मार्किंग करते हुए अबाउट 4 to 5 centimeters की स्पेस छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है एंड देन इसे कटर की हेल्प से मैं कट कर लूँगी. सो इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसे हमें यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का ही यूज़ है. तो नीचे वाले पार्ट को हम साइड में रख देंगे, बट आप उसमें भी प्लांट लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसमें हम सबसे पहले ब्लैक कलर की हेल्प से आईब्रोज बनाएंगे.
सो गाइज ये वाला प्लांटर काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाला है एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से यहाँ पे आईब्रोज ड्रॉ कर ली हैं। पहले मैंने पेंसिल की हेल्प से इसे मार्क कर लिया था एंड देन इसके बाद मैंने कलर की हेल्प से कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ कर लिया है एंड इसके हेल्प से आईब्रो बनाने के बाद इसके नीचे मैं बनाऊंगी आईलैशेस भी। तो वो भी मैंने पहले से ही मार्क कर ली थी पेंसिल की हेल्प से एंड ये आईलैशेस को भी मैं बना दूंगी पेंट की हेल्प से। तो आप चाहो तो इसे और सिंपल बनाने के लिए मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो दोनों साइड पे मैंने बना ली है। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने ले लिया है रेड कलर एंड रेड कलर की हेल्प से मैं यहाँ पे अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स जितनी ब्रॉड लाइन ड्रॉ कर लूँगी ये रेड कलर से। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट पता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। देन इसके बाद इसके जो बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वहाँ के लिए हमें चाहिए होगा वाइट पेंट, बट उसके पहले इसका जो कैप है इसे भी मैं रेड कलर की हेल्प से ही कलर कर लूँगी एंड इसे साइड में ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। देन इसके बाद वाइट कलर की हेल्प से मैं इधर पे 3 लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। सो गाइज अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या बन रहा है। सो इसमें जो बीच में ये मस्तक है वहाँ पे हम तिलक बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम गणपति बप्पा बनाने वाले हैं क्योंकि ये जो टिन है इसका शेप वैसा ही है, लाइक इसकी जो हैंडल है वहाँ पे सूट जैसा शेप था, तो मैंने इसे गणपति बप्पा बनाया है। एंड यहाँ पे माथे पे मैंने तिलक के लिए एक मिरर यूज़ किया है एंड इसे मैं वाइट ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। सो बस इतना ही करना था हमें एंड हमारा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांटर बनकर के रेडी है। इसके बाद आपको कैप लगा देना है, आप चाहो तो कैप में होल भी कर सकते हो ड्रेनेज के लिए एंड ये रेडी है। सो इसके अंदर भी आपको जो भी प्लांट लगाना है वो लगा सकते हो एंड ये हमारा एकदम इजी प्लांटर बनकर के रेडी है। तो क्योंकि इसका येलो कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड एग्जैक्ट जा रहा था इसलिए मैंने वो कलर भी चेंज नहीं किया एंड हमें सिर्फ इतना सा ही करना था एंड ये रेडी है। सो गाइज थर्ड प्लांटर हमारे इस पूरे वीडियो का क्यूटेस्ट प्लांटर होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ओल्ड पेंट बॉक्स को रिसाइकिल किया है। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा घर में पेंटिंग का काम हुआ था तो उस टाइम के ये बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो इसमें से मैंने एक बॉक्स को लेके जो हमने हमारे फर्स्ट डीआईवाई में शू वाले प्लांटर में पिंक कलर यूज़ किया था वही बच गया था, तो मैंने इसके हेल्प से ही इसे कलर कर लिया है। एंड इसे कलर करने के बाद इसे भी हमें ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ना है। ओवरनाइट के बाद हमारा ये प्लांटर अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है क्ले, तो यहाँ पर मैंने सिरेमिक एंड वाइट ग्लू को मिक्स करके ये घर पर ही क्ले रेडी कर लिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीप ऑप्शन भी है। तो इसके हेल्प से हम इसे रोल कट के एक बॉल जैसा रेडी कर लेंगे एंड फिंगर से ही इसके बीच में होल क्रिएट कर देंगे। सो इसी तरह से हम दो रेडी कर लेंगे। सो ये हम रेडी कर रहे हैं आई, तो यहाँ पे मैंने ये आई का शेप दिया है। इसके बाद हमें इसे यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है, तो ये दो आईज बन गई। एंड इसके बीच के लिए हमें एक छोटी सी बॉल और रेडी करनी है इसी क्ले की एंड इसके पीछे वाइट ग्लू अप्लाई करके हम इसे हमारे बॉक्स पे पेस्ट कर देंगे। तो दोनों आईज को पेस्ट करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि हमें दो छोटी छोटी बॉल्स और रेडी करनी है उसके पीछे भी हम वाइट ग्लू अप्लाई कर लेंगे एंड इसे इसके बीच में डाल के हल्का सा प्रेस कर लेंगे, तो ये हमारी आइस बन करके रेडी हो जाएंगी। सो इसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड गाइज यदि आपका ये पेस्ट नहीं होता है तो आप इसके लिए फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये कम्प्लीटली पेस्ट हो ही जाएगा। इसके बाद मैंने ले लिया है वाइट कलर एंड इसके हेल्प से ये जो आइस के बाहर वाला पार्ट है उसे कलर कर दूंगी एंड अंदर वाले पार्ट के लिए मैं ले लूंगी ब्लैक कलर एंड इसके हेल्प से इसे भी कलर कर दूंगी। एंड ये हमारा क्यूट सा प्लांटर बनकर के रेडी है एंड ये वाला प्लांटर मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा। एंड इसी के साथ मैच करने के लिए मैंने एक और इसी क्ले से ही ये लाइन आर्ट बना के फेस बनाया हुआ है एक प्लांटर पे एंड इनके अंदर भी मैंने प्लांट लगा दिए हैं एंड हमारा ये क्यूट सा प्लांटर बनकर के रेडी है। Thank you.
ओके गाइस, सो हमारा लास्ट DIY थोड़ा सा टाइम टेकन है बट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो इसके लिए आपको चाहिए 4 कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल एंड उसके ऊपर का जो पार्ट है उसे रिमूव कर देना है। तो ये वाली जो बॉटल है ये मेरे दिवाली DIY में से बची हुई थी, तो मैंने इसे ही रिसाइकिल कर लिया है। ये चारों डिफरेंट बॉटल है बट चलेगा। तो हमें सबसे पहले ये चारों बॉटल पे कलर कर लेना है। तो आप कोई भी कलर अपना पसंद का कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉटल पे लाइलैक ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ, लेवेंडर। एंड इसी तरह से मैंने चारों बॉटल को डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करने के बाद इसे ड्राई कर लिया है। तो आप चाहो तो इस बॉटल को ऐसे ही रख सकते हो, बट इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो, इवन सिंपल सी प्रिंट भी बना सकते हो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये क्यूट सी बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल वाटरमेलन प्रिंट बनाई हुई है। सेकेंड वाले पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल ये ऑरेंज प्रिंट बनाई हुई है। एंड इसी तरह से बाकी दो पे भी, एक पे मैंने फ्लावर प्रिंट एंड एक पे लीफ प्रिंट बना लिया है। तो हमारी बॉटल्स बनकर के रेडी है। इसके बाद हम इसमें हैंगिंग बनाएंगे। तो हैंग करने के लिए मैंने ऊपर 2 होल कर लिए हैं एंड इसके अंदर मैं जूट रोप का यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए। तो इन होल्स में से जूट रोप को निकालते हुए इसे टाई कर लूँगी एंड हमारी बॉटल को हैंग करने के लिए ये हैंगिंग बनकर के रेडी है। इसी तरह से चारों बॉटल पर रिपीट कर लेना है एंड अभी हमें अपनी बॉटल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना है। तो हमारी बॉटल तो रेडी है। अब इसके बाद आपको चाहिए अबाउट 1 kg सैंड यानी कि रेत एंड 300 ग्राम सीमेंट। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें एंड इसके अंदर वाटर ऐड करते हुए इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। सो गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला DIY क्योंकि इसमें हम सीमेंट वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड फाइनल रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस पेस्ट को अच्छे से रेडी कर लेना है एंड एक बॉक्स ले लेना है आपको, कोई भी ओल्ड बॉक्स। मैंने इस तरह से ये थोड़ा लंबा सा बॉक्स ले लिया है एंड इसके अंदर आपको ऑयल लगा लेना है ताकि ये निकलने में इजी हो। तो इसके अंदर आपको अपने पूरे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है एंड इसे अबाउट 1 आवर के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। 1 आवर के बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा सेट होने लगेगा। तब आपको लेना है एक वुड पीस। तो यहाँ पे मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा पेड़ में से ही कट करवा लिया था। ये ड्राई है एंड इसके ऊपर कोई भी लीव नहीं थी, तो मैंने पेड़ को हार्म नहीं किया है, ये सूख ही रहा था। तो मैंने वो पीस इसमें से कट करवाया है एंड इसमें कुछ ब्रांचेस भी हैं। तो अब हमें इस पीस को हमारे सीमेंट के मिक्सचर के अंदर पे सेंटर में लगा देना है एंड इसे सपोर्ट देने के लिए मैंने 2 वुड पीस का यूज़ किया है एंड इसे ओवरनाइट या फिर आप 2 डेज के लिए इसे छोड़ दें। देन इसके बाद आप इसे उल्टा करेंगे ना तो ये इजीली बाहर आ जाएगा, कोई भी ट्रिकी नहीं है ये बिल्कुल भी। एंड इसके बाद मैंने बॉटल के अंदर प्लांट लगा लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैंने 4 प्लांट लगा लिए हैं इस बॉटल के अंदर। एंड इसमें जो ब्रांचेस निकली हुई थी इसके हेल्प से हम हैंग कर देंगे हमारी बॉटल को। एंड देन इसके बाद मैंने ये क्यूट से कलरफुल पेबल्स लिए हैं एंड इसके हेल्प से हमारे सीमेंट के ऊपर वाले पार्ट को हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहो तो इसे कलर भी कर सकते हो, बट मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट किया है एंड बॉटल्स को हैंग करने के बाद इसका फाइनल लुक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाजू के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपके कोई भी वीडियो सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फ्यूचर में आपके रिक्वेस्टेड वीडियो भी कर सकूँ। एंड ऑल्सो आपका फेवरेट प्लांटर इस वीडियो में से कौन सा था ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो देन डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दीज आर माई इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड आई एम सुपर एक्टिव देयर। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस पीस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू चेक ऑल द वीडियोज लिंक बिलो। एंड नाउ आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड बाय गाइज।